कमलेश जरा कम नवाब मलिक साहब से पूछिए, कांग्रेस के साथ जो युति या उनका गठबंधन है उसको लेकर महाराष्ट्र में क्या राय है? कमलेश जी, लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में यूपीए के एक प्रमुख घटक दल एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक इस वक्त हमारे साथ है। मलिक साहब, माना यह जा रहा है कि इस बार जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं कि कांग्रेस और यूपीए के लिए बहुत ये मुश्किलों भरा चुनाव होगा, किस तरह देखते हैं बतौर एक यूपीए के घटक दल आप साथ में चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में? नहीं, सबसे पहले हम चुनाव आयोग के द्वारा घोषित की तारीखों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस बार लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव में शामिल होकर भाग लेंगे, मतदान करेंगे और एक अच्छी सरकार देश को मिलेगी। जहाँ तक सवाल है सर्वे का, हम किसी सर्वे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन पिछली बार एनसीपी और कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी और इस बार हमें अपेक्षा है कि अकेले राष्ट्रवादी जो 8 सीटों पर जीती थी, इस बार वो नतीजा दुगना हो सकता है। इस तरह के हमें संकेत मिल रहे हैं। कार्यकर्ता हमारा हर बूथ तक है। हमें लगता है कि 10 साल कृषि क्षेत्र में किए हुए पवार साहब के काम, किसानों को योग्य दाम, बिना ब्याज का कर्ज और उत्पादन क्षमता जिस प्रकार से बढ़ी है, हमें लगता है निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का समर्थन बड़े पैमाने हमें मिलेगा।